जलंधर दे न्यू दियोल नगर दे विच असी अज मौजूद हाँ। जिस एरिए दे विच असी मौजूद हाँ उस दे बारे भी तुहानू दस दिंदे हां, वो एरिया हैगा है लैंबर हुसैनपुरी जलंधर दे विच जिथे रहिंदा उस एरिए दे विच असी मौजूद हाँ। तो असी इस वेले जिथे खड़े हाँ वो घर उस घर दे अगे खड़े हाँ जिथे लैंबर हुसैनपुरी की वाइफ इस वेले रह रही है। जी हाँ, वाइफ लैंबर हुसैनपुरी की इस वेले जिथे रह रही है वो घर हैगा उसकी भैन का। जी हाँ, 31 तरीक नूं होया जिहड़ा मामला सारे लोगों ने देखिया जानिया, वो मामला सीगा लड़ाई कलेश जिहड़ा उसके घर दे विच होया, उसका नतीजा की होया असी अज जानन दे लई आए हाँ। उसकी वाइफ नाल गल करन आए हैं न्यू दियोल नगर दे विच, इसी घर के अगे असी खड़े होकर गल कर रहे हैं। तो जानते हैं अंदर चलते हैं देखते हैं कि इस वेले उसकी वाइफ है जिहड़ी वो किस हालातों के विच हैगी है, घरों बाहर रह रही है अपनी सिस्टर दे नाल रह रही है। आओ असी उन्हां नाल गलबात करते हैं। तो 31 तरीक की शाम नूं लैंबर हुसैनपुरी के घर खूब हंगामा होया जो सारी दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया से बहुत वायरल होया, तो उस दे पिछे की सच्चाई की है अज असी वह जानन आए हैं लैंबर हुसैनपुरी की धर्मपत्नी तो उन्हां दी वाइफ तो। जानते हैं पूरा मामला की सीगा, की उस वेले होया कि इन्नी ज़्यादा घर की गल जी घरों बाहर खिलर गई, तो उस दे पिछे दा रीज़न की है। असी मौजूद हैगे इस वेले उन्हां दी वाइफ दे नाल गल करन दी कोशिश करते हैं, जानते हैं पूरा मामला सच्चाई पिछे दी की हैगी है। सत श्री अकाल मैम जी। सत श्री अकाल मैम। मैम जी तुसीं ये दसो जी कि उस दिन मैम गल कोई इदा की खास नहीं हुई कि जिदी वजह न मतलब इन्नी कलेश मेरे हसबेंड ने पा ली है ना। नॉर्मल जी गल सी मैम कि साड़ी कोठी हैगी है सामने है ना, वो असी हमेशा पहला भी रेंट ते दिने ते अगे भी इन्होंने मेरे थोड़े दिन पहला मेरे हसबेंड ने गल की थी कि वे असी ये कोठी किराए ते देनी है ना। मैम मैं तो उस टाइम ना सिर्फ एक विंडो खुली रह गई है क्योंकि असी उदन मॉर्निंग नूं सफाई उत्थे कीती सीगी, मेरी सिस्टर भी मेरी दोनों सिस्टर आईया हुई सीगियां, तो मेरी सिस्टर कहिंदी विंडो खुली रह गई आ वी रात नूं, कहिंदी अजकल मौसम इस तरह दा नेरियां वगैरह चलदियां आ, कहिंदी रोज़ी खिड़की उत्ते बंद कर गया शीशा टुट जाऊगा है ना, वे जीजा जी आके तेनों बोलणगे है ना। मैं सिर्फ जे मैं विंडो बंद करन लई जिद्दां ही मतलब लॉक खोलिया उस टाइम एक फैमिली जिस तरह उन्हां दी वाइफ सीगी दो उन्हां दे बेटे ते उन्हां दे हसबेंड ते जिहड़े डीलर हैगे है ना वो कोठी देखण आ गए, तो ऑलरेडी क्योंकि मैं लॉक खोल चुकी सी तो वह सीधे अंदर आ गए। मैं इस भुलेखे च उन्होंने अंदर वड़ लिया कि मेरे हसबेंड ने पहले ही थोड़े दिन पहला मेरे गल की कि उन्होंने को रेंट ते देनी है कोठी, तो मैं उस भुलेखे पर उन्होंने अंदर वड़ लिया, उन्होंने 5 मिनट भी नहीं लाए क्योंकि मेरे बच्चे भी नाल सके, मेरी सिस्टर भी नाल सी मैं भी नाल सी इकट्ठे सके, उन्होंने फटाफट उपर थले जाने की देखिया। मैं उन्होंने यही कहा, मैं क्या ये चलो जो तुसी कोठी देख ली आ ते लास्ट जिहड़ा डिसीजन हैगा मेरे हसबेंड लैणगे है ना, इन्नी गल हुई वो चले गए। उस टाइम ते मेरे हसबेंड ने मेरी बेटी नूं फोन किया, कहिंदा तेरी मम्मी ने ते तेरी मासी ने अंदर बंदे बाड़ लए है ना वे गलत हैगियां आ, ते मैं क्या उस टाइम कहिंदा अपनी मम्मी नूं ते अपनी मासी नूं कह इत्थे ही रहण, अपनियां मासियां नूं कह इत्थे रहण जाण ना किते मैं अज गल करनी आ है ना। तो मेरी बेटी बहुत डर गई बच्चे क्योंकि साढ़े घर का माहौल पहले ही बड़ा इदा का गंदा हैगा कि साढ़े घर हर रोज़ कलेश रहिंदी आ, हर रोज़ छोटी छोटी गल तो कलेश रहिंदी आ, कदी प्यार ना बैठ के मेरे हसबेंड ने कोई गल सौ कीती नहीं, नवेड़ा नहीं किया उस गल का भी चलो अज आप मूँह ना बैठ के गल कर लीए, वह मूँह ना कट तो वो हाथ ज़्यादा चलते हैं मैम है ना। उस दिन भी यही गल हुई, जिदा ही वो आए घर उन्होंने मेरी बेटी का पहला फोन चक्या, फोन चक के कहिंदे तू मेरा फोन नहीं चक्या, बेटी बेचारी ऑलरेडी डरी हुई सी कि हुण पापा ने आके पता नहीं घर की करना है ना, फोन चक्या जदों तां इहदा फोन देखिया कहिंदा तू मेरा फोन नहीं चक्या, इहदे अपने फोन तो इहदे फोन ते कॉल ला के देखी ते बैल नहीं बजी, वो कहिंदी पापा मैनूं पता नहीं लगा वे बैल बंद सीगी, इसे इन्नी गल हुई तां मैं सॉरी मंगी है ना। मैं क्या चलो जी मैं तुहाडे तों पुछे बिना अंदे उन्हां नूं कोठी दिखाती मैं सॉरी मंगदी है ना, वी गांह तों जिहड़ा भी कोई आऊगा मैं पहलां तुहानूं कॉल कर लूँगी है ना, मैं तुहानूं कॉल कर लूँगी फिर जे तुसीं कहोगे तां दिखा दूँगी नहीं तां नहीं
नहीं दिखाऊंगी। मैं बच्चे सॉरी भी मंग ली पर फिर भी उस इंसान ने मैनू मारना शुरू कर दिता। इन्ने च उन्हें जो कुर्सी चक्की मारन ले मेरी बेटी ले भी है ना, बेटी बेचारी मेरी कहे पापा भी कुछ नहीं असी इदा का कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ मम्मा ने कोठी दिखाती, वह भी एकदम आ गए है ना, एकदम आ गए करके कोठी दिखाती, होर साड़ी कोई गलती नहीं हैगी। कुर्सी चक के बेटे डाइनिंग टेबल की लॉबी बच्चों मेरी बेटी दे मारन लगे। इन्ने च मेरी छोटी भैन बेचारी जी डेढ़ महीने तो ऑलरेडी बीमार सी, वो आई हुई सी इत्थे अपने ट्रीटमेंट लई, ते वो बेचारी अगे हो गई क्योंकि बेटी छोटी है, वे ज़्यादा ना ये कितने लग जाए है ना, बस इन्ना सी कि उन्होंने बेचारी मारन लग गया, जो हाथ चाया डंडा रोड वो सिर च मारी। इन्नी गल हुई तो कहिंदा रुक जो मैं लैके आना अंदरों रिवालवर लैके आना है ना, असी डर दियाँ असी मेरी भैन जिहड़ियां बेचारियां दोनों ही मेरी बेटी तो मैं असी गली चो बाहर दौड़िया। तो इन्ने नू जो भी उत्थे होया आ तुसी देख सकते हैं है ना, भी मेरा हसबेंड एलीगेशन लाउंदा कि मेरे हसबेंड जिहड़ी सिस्टर आ उहदे हसबेंड ने बंदे बुलाए आ जां कुछ बुलाया। तुसी साडे घर च 24 घंटे अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए आ, विच उच रिकॉर्डिंग हुंदी आ, जे मेरे घर वाला सच्चा आ ते ओह रिकॉर्डिंग दिखावे उदे विच साफ पता लग जाना आ जी किहड़ा मुजरम हैगा आ, किहड़ा सच बोलदा ते किहड़ा झूठ बोलदा है ना। उन्हूं ये प्रैशराइज करो कि जे तू सच्चा हैगा आ तो वह कैमरे दियां फुटेज दिखा, जे तू झूठा नहीं हैगा तो वह कहिंदे आ भई हार्ड डिस्क खराब, कोई खराब नहीं हैगा, सारा साडे घर च 24 घंटे कैमरे चलते तो उहदी रिकॉर्डिंग हुंदी आ, क्योंकि ये हरप्रीत नाम दा एक बंदा हैगा आ जिहड़ा 24 घंटे साडे कैमरियां दा जिहड़े ऑफिस भी आ घर भी उही सारा काम सांभदा आ। तुसी उहनूं बुलाओ, तुसी सिफारिश करो कि वह देखे, उहनूं सद्दो, उहनूं सारा पता भी साडे घर च रिकॉर्डिंग हुंदी आ। मैम इन्नी क गल हुई उस गल की वजह नाल इन्नी मैम कलेश वध गई है ना। सुननी चाहिए कि जिस तरह कि पहला तो ही काफ़ी कुछ तुहाडे ते वापरदी रही है, काफ़ी सालों तो सुननी चाह रहा कि तुहाडे आपस में कलेश चल रहा, तो ये कलेश इन्ने टाइम तो जिदा चलता आ रहा, वो पिछे का कारण की देखते हो तुसीं? कारण मैम एक तो सब तो बड़ी गल है कि जिहड़ा बंदा खुद गलत होवे है ना, तो वह हमेशा ही दूसरे बंदे नूं दबाउण की कोशिश करता हुंदा वे, ये कितने मेरे खिलाफ आवाज़ ना चक लवे है ना, इहनूं कितने पता ना लग जावे मेरे बारे, जे दबी आ तां मैनूं दबा के रखा है ना। मैम ये तो ब्याह तो तीसरे दिन मतलब इहदे कलेश शुरू हो गए सी, ब्याह तो तीजे दिन मैनूं मारन लग गया सीगा, तीसरे दिन इत्ते किसे लड़की ने इत्ते केस पाता सीगा कि इहने जी ब्याह दा वादा उहदे नाल कीता आ ते ब्याह मेरे नाल कर लिया आ है ना। ये सारे लोगों नूं कह रहे मैम कि मैनू प्रॉपर्टी का लालच आ, मैनू पैसों का लालच आ, जे मैम प्रॉपर्टी यदि लैनी हुंदी मैं तो मेरे को बहुत बड़ा रीज़न सीगा ब्याह तो तीजे दिन मैं बच्चे जरूर पैदा करने सीगे, मैं इन्हां दी जरूर लाइफ खराब करनी सी, मैं उदो ही एको पैसे लैनी, पैसे लिखानी कोई प्रॉपर्टी ना लिखानी तो साइड पर हो जाती है ना। ये हर जगह ये कहना आ, ये उदण का मैम गल करी जाता है जी पैसे पैसा पैसा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी मेरा पैसा, मैं अपने बच्चों नूं बहुत प्यार करदा। मैम जे इहदे दिल च थोड़ा जिहा भी प्यार अपने बच्चों लई हुंदा ते उदण दा मैम अपने बच्चों फोन ना करदा, अपनी बेटी नू फोन ना करदा, उन्नू कहिंदा बे पुत जो हो गया मैनू तुसी चाहिए आ, मैनू तुहाडी माँ चाहीदी आ, जे मेरे च कोई कमी हैगी आ पुत मैं उस कमी नू दूर कर दिन्ना आ, जे तुसी मेरे किसी रिलेशन तो परेशान आ मैं उस रिलेशन नू खत्म कर दिन्ना आ, मैनू मेरा परिवार चाहीदा आ। इन्ने उस दिन दा बंदे ने एक वारी फोन नहीं किया। मैम तुहाडे बच्चिआं दे नाल किद्दां दा रिलेशन आ, बेटियां नाल बेटे नाल? ते इक प्यो दा इक रिश्ता इदां दा हुंदा कि जिस नूं बंदा सारी दुनिया तों वध के करदा, ते बेटी दे नाल किद्दां दा तुहाडे हसबैंड दा रिलेशन हैगा? मैम जिहड़े बंदे दा अपनी वाइफ दे नाल रिलेशन रखिआ, तुसीं सोच सकदे वी उहदी सोच किद्दां दी हैगी आ है ना। एक लेडीज़ बारे उन्हां दी सोच घटिया हैगी आ, उन्हां नूं लेडीज़ मतलब सिर्फ इस काम लई चाहीदी आ वे रोटियां पकावे, साडियां कपड़ा लिया धोवे, साडे आए गए दी सेवा करे, उस तों इलावा होर लेडी नूं बेचारी नूं कोई हक नहीं हैगा किते जाण आउण दा, अपने खुश हो के भैण भरा नूं मिलण दा हक नहीं हैगा, किते बाजार अंदर जाण दा हक नहीं हैगा। इह उह लोकी लोकां वास्ते चाहूगा, लोकां दीआं सानूं दसूगा, लोकां दी ओह रजनी जैन दीआं बड़ियां तरीफां करूगा घर च जी, रजनी जैन ने इन्ने कोर्स कीते हुए आ, रजनी जैन ने आ किया, रजनी जैन आईलैट्स करती आ, तू सानू भी उस काबल बना, सानू भी हिम्मत हौसला दे है ना। असी कहड़ा अनपढ़ हैगे आ मैम, जे मैं थोड़ा पढ़ी हाँ तो तू मैनू हौसला दे, मैं अगे पढ़ के दिखावा, मैं रजनी जैन नालों घट आ मैम है ना। वह मेकअप करके सोहनिया कैमरिया ते लगदियाँ उन्हें मगर लगा आ, तू मैनू खुश रह, मैं उन्हों तो भी सोहनी बन के तेनू दिखावा मैम। मैं इस करके नहीं मैम, मैं सिंपल सधारण रहनी हाँ कि मेरा घर वाला जब मैं पसंद ही नहीं करता, वह मैं मूँहों कह दिता वे मैं जी वह जनानी ना रहना, मैं वह जनानी ना रहना, तो मैं कहनी हूँ भी मैं सज संवर के मैं किनू दिखा,
मैं एक माँ हाँ, मैं सिंपल ही ठीक अपने बच्चों जिदा की हैगी एक माँ हाँ, मैं माँ के रूप से ठीक हाँ। तुहाडी फैमिली दे अगे तुहाडे पेरेंट्स तुहाडे ब्रदर सिस्टर कदी तुसी उन्हां अगे अपना दुख अफरोलिया कि तुहाडे नाल घर दे विच की वापरदी पई है? मैम मेरे भैण प्रेम मेरे माँ भी बेचारे दुखी इस बंदे तो दुनिया तो गए आ। ठीक आ मैं कहनी हाँ वे इन्हें मतलब मेरी माँ पे दे चलो इलाज करवाया जां मेरे प्यो दे मरण ते पैसे लाए, वह भी मैम इन्हें पैसे इस करके लाए क्योंकि ये मेरे नाल जुड़िया सी है ना, इन्हें दुनिया में अपनी गुडविल बनाउन दा करके मैम पैसे लाए है ना, नहीं तो सानू की सी असी बेचारे उन्होंने सिंपल कर लेने माड़ा मोटा किसी को फट दड़ के इलाज करवा लेने उन्होंने भोग का खर्चा लोगों को मंग के कर लेने, असी इन्हू कहा नहीं सी मैम, इन्हें जो भी किया अपने नाम ले किया मैम। मेरे माँ पे भी दुनिया तो इतों दुखी गए क्योंकि इस बंदे ने मेरे माँ दे भी चपेड़ा मारिया, मेरिया भैणा दे उन्हों भी कुटिया हर वेले कुटिया जदों कुवारियां सी बेचारियां ने हर वेले मेरा साथ दिता, मेरे बच्चे ट्विंस हैं मैम, मेरे बच्चे पालन विच मेरी बहुत मदद की, पर इस बंदे ने उन्हां दा शुक्रिया अदा करना तो दूर की हर वेले उन्हां नू मारिया कुटिया, मैनू तो मारना ही सी मेरिया भैणा नू भी बहुत वारी मैम इन्हें मारिया। की कारण है कि तुहाडी भैणा तो तुहाडे जीजा जी तो वह इन्नी क ज़्यादा नफरत दिखाउंदा आ, नफरत भरिया गल्लां करदा आ, उहदे पिछे कारण की है? नफरत मैम इस करके हैगी है जी, उन्होंने मेरे जेडे सिस्टर दे हसबेंड हैगे आ बनी अरोड़ा, इस करके वह नफरत करता है क्योंकि वह बेचारा इन्हों वगू बदतमीज नहीं है, इन्हों वगू जनानियों पर शक नहीं करता है, अपनी जनानी की सो समझदा आ गल, उन्होंने हर गलते सपोर्ट करता है, जे तो वह ये वर्गा ही होज़ शराब पी के जनानी मारदा कुटदा हो फिर तो इन्हों बहुत चंगा लगना मैम क्योंकि वह अपनी जनानी के नाल हर गलत सहमत है मैम, वो साड़ी बेचारा मैनू दवाई दारू लिया के दिता आ, ये जदों मैं मैनू जो जरूरत होंगी अज ये उन्होंने बहुत माड़ा कहता मेरी भैणा मेरे जीजा जी ने बहुत माड़ा कहता आ, पर जदों इन्हें आप अपन आशकियां ले कितने जाना हों मैम उदों कह दिता बच्चों को कोई चीज़ चाहिए होंगी जाओ पुत अपने मास्टर नू फोन कर लो, अपने मास्टर नू फोन कर लो दवाई लैनी हो रोजी बनी दे नाल चल जा, बनी दे नाल दवाई ले आ, मैं फलानी जगह चला आ, उदो इनू नहीं उदो नहीं पता हुंदा भी वो इन्ने माड़े आ मैं क्यों भेजदा कि वह फिर उदो सानू प्रोवाइड करे मैम, कोई ड्राइवर सानू रख के दे पक्का, सानू गड्डी सानू दे घर च पक्के दे, असी किसी नू ना कहीए उदो कल ही उदो इनू चंगा उदो बहुत चंगा लगता जो सानू भेज दिंदा उहदे नाल, उदा इन्ने एलीगेशन लगाउण गया उत्ते मेरी भैण दे ते मेरे जीजे ते है ना। उन्हों का कहना है कि जो सुख सुविधावान मैं अपनी फैमिली दिती है उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे तो सैटिस्फैक्शन नहीं हैगी, तो वो बारे पास अपने रिश्तेदार वाल उन्होंने झुका ज़्यादा हैगा, तो ये पिछे की कारण की है? सैटिस्फैक्शन मैम घर च लगे एसिया ना तो घर च खड़ी गड्डी दे नाल जां फ्रिज च तुहाडे भरिया समान खाण लई सैटिस्फैक्शन मैम उन्ना नहीं हुंदा, सैटिस्फैक्शन हुंदा आ चाहे तुसी बच्चियां नूं अपनी जनानी नूं लूण ना ही एक टाइम रोटी दे दो, तुसी अपने उहनां दा दुख सुख सुणो, तुसी उहनां नूं गल लाओ, तुसी उहनां दी फीलिंग समझो, जिस विच मैम मेरे बच्चे अज आ उहनां नूं एक बाप दी बाप घट तो फ्रेंड की ज़्यादा जरूरत आ है ना, बाप घट तो उन्हों का फ्रेंड बन के ज़्यादा रहे, पर मेरे बच्चे इन्ने मैम मानसिक तौर पर सानू परेशान कर दिता, असी इस वेले इन्ने क डिस्टर्ब हैगे हैं ना बे असी इस बंदे नाल रहना ही नहीं चाहते बस। अच्छा सोशल मीडिया से वो बड़े खास मित्र ने जोड़े वो बहुत वो फेवर की गल कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ तुसी भी देख रहे हो सुनने चाह रहा है तो पिछे कारण की तुम्हें लगता है कि देखते हो तुम की वजह की हो सकती है? सोशल मीडिया ते मैं भी बहुत देखे आ जी, एक साई मधुवीर जी हैगे आ ते अपने दूसरे निक इंद्रजीत निकुर जी जी ते होर भी कई फेसबुक ते जिदा बलविंदर मैमी जी जी बहुत जी मेरे खिलाफ़ जां मेरे बच्चियां दे खिलाफ़ बहुत कुछ बोल रहे ने है ना, एदी सपोर्ट करन डए आ। एक तो मैम देखो जी कोई भी बंदा हैगा आ तुसी किसे ना फ्रेंड सर्कल ना जुड़े हुए जां किसी भी तरह वो अपने फ्रेंड सामने अपने बच्चों मारू कुटूगा नहीं है ना, वो फ्रेंड्स अपने अपनी जनानी नूं नहीं गलत कहूगा जां मारूगा नहीं क्योंकि उन्हें लोगों सामने एक इमेज बनाउणी है अपनी क्योंकि वह कलाकार आ उन्हूं कलाकारी आउंदी आ मैम, उन्हें कलाकार बनना है, उन्हें लोगों सामने अपनी गुडविल बनाउणी है ना, पर ये जिन्हें लोग साडे खिलाफ़ मैम गल्लां करदे आ इन्हां नूं कहो साडे घर रह के देखण दिन रात देखण साडे घर रह के सानूं इन्हां नूं पता लगे लोगों नूं भी साडे की हाल हुंदे आ, गल्लां करनियां मैम बहुत सौखियां आ, तुसीं उस माहौल नूं झेल के देखो। मैं इस साई मधु नूं कहनी इंद्रजीत निकू नूं कहनी जां होर भी साडे खिलाफ़ जिहड़े बोलदे आ मैं कहनी इस माहौल नूं तुहाडे बच्चे तां तुसीं झेल के देखो तुसीं किद्दां दा फील करोगे।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੜੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲੈਮਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੜੀਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਏਕਨੂਰ। ਬੇਟਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਆਉਣਗੇ, ਬੈਠਣਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੋ? ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਮੈਮ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਠੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੋਠੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਊਂਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚਣ ਆ, ਫਲਾਨੀ ਲਾਲਚਣ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕੋ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਵਰਤਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਕੀ ਮੈਮ ਵਰਲਡ ਲੋਕ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਮ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਦਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਮ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਰਜਨੀ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਰਜਨੀ ਜੈਨ ਦਾ ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰੇ ਹੋਇਆ ਜਾਣਨ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਮ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨੇ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਮੈਮ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੈਮ ਸਾਡੇ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 16 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, 16 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭੋ। ਇਹ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਿਹੜਾ ਛੱਡੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੋ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਚ ਨੇ ਆ ਤੂੰ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਆ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਕਾ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਮ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ।
हाँ जी मंग करती, मैं अपने बच्चों वास्ते मंग करती हाँ जी, मैं सारे सरकार प्रशासन वाल सारू मेरी हाथ जोड़ के बेनती है जी, सानू न्याय मिलने चाहिए आ, बस मेरे बच्चों मेरा हक मिलने चाहिए आ, साडा आने वाला भविख जिन्ना असी डर डर के रो रो के जिंदगी 16 साल तो कढ़ रहे हैं, असी आने वाली जिंदगी मैम असी हस खेड के कढ़ीए, मैं अपने बच्चों का हौसला बन के रहा, ना कि मैं एक उन्होंने सामने एक कमजोर तो रोंदी माँ बन के उन्होंने दिसा कि मेरे बच्चे भी उदा दे बन जा। बहुत साल उन्होंने मैं रोंदी देख लिया मैम, मैं गांह एक खुशी वाली जिंदगी अपने बच्चों देना चाहनी हाँ, एक एक प्यो भी बनना चाहनी अपने बच्चों का, तो एक माँ भी बनना चाहनी। हड बीती मामला पूरा असी जाने अलैंबर दी वाइफ तो, ते एक गल कहना चाहवांगी टीवी दी बॉलीवुड दी जिहड़ी दुनिया चमकदार दुनिया जिहड़ी असी पर्दे ते वेखदे आ सानू बड़ी वधिया लगदी है, लोकां नू बड़ी वधिया लगदी है, लोकी कहंदे ने कि वाह इन्हां दी जिंदगी तां शाही जिंदगी है, साडी जिंदगी वी काश इदां दी होवे, तां उस दी पिछे दी सच्चाई तुसी अज वेख लई है कि इस चमकदार दुनिया दी असलीयत की है, इस दे पिछे दा असली राज की है, कि इस चमकदार दुनिया दे विच सैलीब्रिटीज़ जड़ियाँ है ने उन्हां दे घर दे हालात की ने, उन्हां दे घर दे मैंबर की झेल रहे ने, की उन्हां दे वापरदी पई है, ते किस तरीके वो अपनी जिंदगी बिता रहे ने, ये तुहाडे सामने है। कैमरामैन जगतार दे नाल निशा शर्मा, एनकाउंटर न्यूज़, जलंधर।